बागेश्वर आने के लिए, लेकिन अब हम यहां हैं तो आई होप यू गाइस आर रेडी। आर यू रेडी? इतना रेडी नहीं। आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो। अब रेडी हो अगले गाने के लिए? आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो। Back you love, when you die someday, I'ma drag you love. Go cause you got me, shoot up you love.
तेरी आंखें मोहब्बत का खाता हूँ फिर भी भूल लास्ट है और आज जो है उत्तरायणी कौतिक की लास्ट शुरुआत है और अब जो है मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ हमारे जिला अधिकारी महोदय आज जो है मतलब उत्तराखंडी परिवेश में है और उनके साथ पहाड़ से भाई मैं रोज़
अभी आपके लिए हमने बहुत ढेर सारे बचा के रखे हैं। आप लोग हमारे साथ हो, राइट? पीछे तक आवाज आ रही है पक्का? और जोर का साउंड प्लीज, थोड़ा साउंड थोड़ा सा और ऊपर प्लीज। यहाँ पे कोई है जिसने पहले मेरा कोई शो अटेंड किया है? यहाँ पे कोई है ऐसा? है कुछ लोग, राइट? तो यहाँ पे शोर थोड़ा कम नहीं मच रहा अभी? बागेश्वर एक बार जोर से शोर मचाओ प्लीज, लेट्स गो। That's what I'm talking about. So you guys ready? खड़े आगे बढ़े, लेट्स गो लोग बोल। Fuck, okay.
के झंडे निकले हमने अधूरे को जपते हमेशा तेरे दिमाग में कूदा बसने को गिरा हुआ मैं लाइन म्यूजिक भेजा तो क्या भी है उसे लड़ना जैसे कॉमर्स का बंदा फिर भी थे वही कैसे पैसा गिन दिया मेरे सामने मिस्टर इंडिया सखों से घूमता बेरा तेरे भाई ने उनको सिल दिया आ जमाने
लोग गाना गाने में हेजिटेट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हाँ शाये हो रहे हैं थोड़ा पीछे, बिल्कुल नहीं चलेगा इस वाले गाने में, तो बिल्कुल नहीं चलेगा इस वाले गाने में। आप लोग साथ होंगे? ओके, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आप सबको अपने बारे में। तो मेरा पैतृक गांव मल्लाकोट है और हम लोग इस जगह से बहुत क्लोज हैं और इस मोमेंट के लिए हम दोनों बहुत टाइम से अवेट कर रहे थे। एंड जब हमें पता चला कि हमें यहाँ पे आना है, परफॉर्म करना है, वी गाइस केम स्ट्रेट अप। और क्योंकि ये जगह बहुत स्पेशल है हमारे लिए, यहाँ के लोग बहुत स्पेशल है हमारे लिए, तो आप लोगों को एक शो देना हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। और आप लोग यहाँ पे हो इस ठंड में, सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। यस, तो इस गाने में हम लोगों को एक टीम बनना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैं स्टार्ट करूंगा और आप फिर हेल्प करोगे, ठीक है? फिर हेल्प मी, ओके? सीधे पहाड़ से दिल से लिखा गीत नहीं लिखा मैं हाथ से। आज तो होगा रैप सॉन्ग कुछ दिन। डर नहीं लगता यहाँ पे शेर की रहार से, सीधे पहाड़ से सीधे पहाड़। Come on, let's go. Okay, आप लोगों को ये करना पड़ेगा तब मैं गाना स्टार्ट करूंगा। Let's go. 5, 6, 7, go. सीधे पहाड़ से दिल से लिखा गीत नहीं लिखा मैंने हाथ से। सीधे पहाड़ से ठंडी सी फिजाएं आई फिसले मेरे हाथ से। सीधे पहाड़ से डर ही नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से। सीधे पहाड़ से आई गेस रेडी लेट्स गो। लेकिन हम भी कर पास क्या सीधे पहाड़ से पहाड़ों का ये प्यार हमारे खून में बसा, आंधियों की आंखों में कुछ अलग ही नशा। अफसोस एक जैसा यहाँ पे उठी ये हवाओं को, भूल जाना पड़े थे भी दिल यही बसा। बचपन में माँ बोलती थी बेटा थोड़ा तेज सोचा, लोग पेच खाएंगे वरना सीधे साधे दिल ने सोचा। पर असर ना हुआ दिल में जैसे होती गई भर ले, अपनी फीलिंग से ले लेंगे तूफानों से मिलने। जहाँ पे घर है वो तो शेरों का इलाका, सैने सैने देखा एक शेर जब मैं झाका। खिड़की से मैं जल्दी से फिर चेक करने को भागा, अच्छी तरीके से मेरा बंद तो है दरवाजा। बादलों के ऊपर कभी आके मुझसे मिल, ना की टेंशन ना लो ऑन द काय फ्रॉम द हिल्स। तुम बोलते जिससे जन्नत मैं बोलता घर, कभी यारा दो दाजू खिलाएंगे बाकी अब जमकर। Yeah.
बागेश्वर थोड़ा शोर मचा दो। क्या बात है, गौरव भाई को ऐसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। सो जिन्हें नहीं पता है, मैं जब भी कोई शो करता हूं पूरे हिंदुस्तान में, मुंबई, दिल्ली, कोई भी जगह, हमारा इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसे होता है, वॉइड सीधे पहाड़ से। एंड मैं सबको बता देना चाहता हूं कि ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग ना बहुत ज्यादा प्राउड हैं इस चीज को लेके कि हम पहाड़ों से हैं। एंड मैं जब मुंबई में था तो ये काफी टाइम मेरे साथ हुआ कि मैं लोगों से मिला और लोग ना हेजिटेट करते थे ऐसे बात करने में और यू नो बताने में, और मुझे लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक मेरे साथ उल्टा सीन है, मैं जब किसी से मिलूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज, मैं लोगों को बताता हूं मैं कहां से हूं, मैं पहाड़ी हूं, मैं पहाड़ों से हूं। सो जब मैं एमटीवी में गया, मुझे जब मैं एमटीवी में गया था तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर इंडिया वॉज दिस कि मैं पहाड़ी लोगों की कहानी बाहर तक पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे पता ये होता है यूजली कि हमारे पास, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे अच्छे रीजनल सॉन्ग्स बनते हैं, बट द थिंग इज कि वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पाते, राइट? मैं हिंदी में रैप करता हूं और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं हिंदी में वो पूरी कहानी पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा, और उस चीज की वजह से सीधे पहाड़ से वॉज लाइक सीधे पहाड़ से बिकेम माय नंबर वन सॉन्ग ऑन इट्स ओन। और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो सीधे यहीं से था, ठीक है? तो वो ऐसा नहीं था कि मुझे कोई हिट सॉन्ग देना था, लेकिन वो हुआ क्योंकि वो दिल की बात थी, वो हम सब की बात थी, एंड इट हैपेंड। तो ये है स्टोरी सीधे पहाड़ से के पीछे जो बहुत लोगों को नहीं पता है। ओके, तो एक बार सब सीधे पहाड़ से, बहुत सुंदर। यस, तो प्लीज आप लोग जब भी कहीं बाहर जाओ अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देना है, ठीक है? लाइक डोंट हेजिटेट बताने के लिए कि आप कहां से हो, ये हमारी देवभूमि है, बी कैसा प्राउड ऑफ इट। यस, सो गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? सबको मजे आ रहे हैं? किसी को मजे नहीं आ रहे यहां पे? अच्छा, एक दो लोग बोले, नहीं बोले। आर गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग? लेट्स गो। मैंने अभी अभी एक एल्बम निकाली थी लोनली दिसंबर, और उसमें कुछ गाने हैं, बहुत स्पेशल गाने, वो मैं पहली बार परफॉर्म करने वाला हूँ लाइव, अभी तक नहीं करे थे कहीं पे। सो दिस इज अ प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स गो। हर दर्जे सदाया हूँ
गा रहे थे ठीक है समझ गया।
तो एक बार जो हम अगला वाला गाना करने वाले हैं, जो नगला बजाने वाला है, उसके लिए थोड़ी आप लोगों की एनर्जी थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी, मिल सकती है, मिलेगी राइट? ये गाना थोड़ा स्पेशल है, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में ऐसा सीन हुआ है कि आपको किसी से मोहब्बत है लेकिन आप बता नहीं पाए? कितने लोग हैं यहाँ? प्लीज यार ऐसा मैं बोलो, मुझे पता है बहुत ज्यादा लोग होंगे, कितने लोग हैं ऐसे यहाँ? घर वालों से मोहब्बत हुई है, बहुत लोग हैं ऐसे भी लग रहे, लड़कियां ज्यादा चिल्ला रही हैं।
मतलब राइट, तो ठीक है ये गाना आप सब लोगों के लिए है, और घर जाके इसे अच्छे से सुनना और फिर जाके बता देना, ठीक है? लेट्स गो। उसका भी आनंद हो गया। तेरे दिल की गुलामी है, हम कैसे डूबना तू सुनामी है, तुझे मिले कुछ साल ही हुए पर मुझे लगे मोहब्बत ये पुरानी है। ऐसे गीत लिखने के लिए मशहूर है सबको अभी घर जाके हेल्प करेगा, ठीक है? आप लोग अपना आखिरी गाना जाते हैं, आप लोग अपना आखिरी गाना जाते हैं, एक सेकंड। मजा आ गया, दम है बंदे। तो यार देख सकते हो गौरव भाई को सिर्फ आधा घंटा मिल रहा है और बहुत जबरदस्त इनका प्रोग्राम है। घर पे मेरी मम्मी, मैं ऐसे दिखने में ऐसा नहीं, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को
प्यार से गब्बर बोलती है, तो उस चीज की वजह से हमने एक गाना बनाया गब्बर, वो आप सब लोगों के लिए हम अभी बचाने वाले हैं। सो लेट्स गो, लेट्स गो। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सीधे पहाड़ से और देखे वाली सीधे पहाड़ से राइट, ये आखिरी गाना है रात का, तो सब शोर मचाएंगे अच्छे से। अपनी जिंदगी सरल गाने है घर मुश्किल सफर कुछ खबर अपने ख्वाबों को पूरा करने के सफर तो ये जानती तेरा भाई अब पहाड़ों की आवाज थोड़ा वक्त लगा लेकिन हम भी तो नर्वस क्या सीधे पहाड़ से सीधे पहाड़ से से लिखा गीत नहीं लिखा मैंने हाथ से सीधे पहाड़ से सीधे पहाड़ से हम किसी के साए ना ये पिसे मेरे हाथ से सीधे पहाड़ से सीधे पहाड़ से करी नहीं लगता या पिछे की दहार से सीधे पहाड़ से सीधे पहाड़ से और गाड़ी पहाड़ों का ये प्यार हमारे खून में बसा पापियों की आंखों में कुछ अलग ही नशा अफसोस सीधे साथ दिल ने सोचा पर असर ना हुआ दिल में जैसे होती गई गया
एक शेर जब मैं झांका खिड़की से मैं जल्दी से बच्चे करने को भागा अच्छी तरीके से मेरा बंद तो है दरवाजा बादलों के ऊपर कभी आके मत से मिल ना भी दे चिंता लो ऑन द गाय फ्रॉम द हिल्स तुम बोलते जिसे जन्नत मैं बोलता घर कभी आना शो को और चक्कर हमार लिए क्योंकि हमें यहाँ आना था ठीक है ये जगह मैंने बताया आपको इसके पहले बहुत स्पेशल है एंड इट हैपेंड सो आप सबका दिल से शुक्रिया कर रहे हैं हम लोग दिस इज लॉय बॉय सो जो भी आपने संगीत सुना इसमें इट्स हिज क्रिएशन उसके ऊपर मैं गाता हूँ हम लोग एक टीम है और आई होप आप सबको बहुत ज्यादा मजा आया ना सबको दिल से शुक्रिया हम लोग जा रहे हैं बट बिफोर लीविंग एक बार वी वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम आवर हार्ट यू नो वी वुड लाइक टू गिव आवर लव एंड रिस्पेक्ट टू द डीजे मिस अनुराधा पाल एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस और हम लोग यहाँ पे आ सके और अपने पहाड़ियों के लिए परफॉर्म कर सके इससे ज्यादा गर्व की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है सो अगली बार आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप क्या बोलोगे सीधे पहाड़ से थैंक यू सो मच मेरा नाम वॉइड और मैं सीधे पहाड़ से थैंक यू धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति अब इसके बाद यहाँ मैं दोबारा अंदाजा लगाया ज्वाइन हो रहा हूँ इसीलिए हमारे कपड़ों पर तो मैं दोबारा ज्वाइन होने वाला हूँ ये वाला लाइव यहीं पर कट कर रहा हूँ और धन्यवाद करूंगा बीएस मनकोटी जी का आप वॉइड के पिताजी हैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन जब तक प्रमोद मेहता जी गप्पू मेहता जी का मोहन जोशी जी का मदन हरड़िया जी का मनोज कांडपाल जी का उप निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल सिंह मेहता जी का हमारे शहर कोतवाल कैलाश नेगी जी का हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सूरज जोशी जी का दिलीप मेहरा जी का एवं यहाँ पर बैठे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन अब हम यहाँ पर जो हमारा अगला कार्यक्रम है परिधान फैशन शो उसके बाद रोहन भारद्वाज करिश्मा कपूर इनके द्वारा आज की नाइट के स्टार हैं इनके द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी तो नवीन परिहार जी हाय किला कहाँ भैया यार तुम हमारे
बागेश्वर जिला पंचायत और अनुरोध क्रम में भारद्वाज आपके म्यूजिशियन से कि आप मतलब इतने ग्रेटफुल बंदे हैं जो अपना सेवा दबाव कर रहे हैं लोगों की मदद एक शर्त में करते हैं कि और बाकी जो भी लोग हमें देखने के लिए आए मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, आप प्लीज वहां से मिल लो। क्या बात है, ठीक है, आप लोग प्लीज वहां से मत हिलना। क्या बात है, ये भी क्या बात है यार, गौरव भैया बहुत सुंदर। तो ये भी एक स्टाइल है और गौरव भैया जो कहते हैं कि मेरा नैनिहाल यहाँ था, नैनिहाल मतलब मकोट यहाँ थे, तो ये लोग बहुत खुश बात है। हेलो, अभी आप स्क्रीन में दंगल का आनंद ले रहे हैं। इस बार इस दंगल के आयोजन में बहुत ही बागेश्वर में बागेश्वर के बाहर भी बहुत लोगों ने इसे सराहा है। इतनी ज्यादा भीड़ थी, 11 बजे से 5 बजे तक कोई भी किसी भी लोगों ने जो भी लोग बैठे थे किसी ने मेला नहीं देखा, देखा तो सिर्फ दंगल देखा। सही बात है, और बहुत सुंदर आयोजन रहा। ये देखिए, ये दे दी पटकनी, बहुत सुंदर सा आयोजन रहा दंगल का। आपको अवगत करा दें कि इस बार उत्तरायणी मेले में हमारी मेला समिति द्वारा हेलीकॉप्टर का भी इसकी सवारी की गई, जिसमें लगभग 1100 लोगों ने हवाई यात्रा की, हमारे सुंदर बागेश्वर शहर को देखा। ये है पंडित जी जिन्होंने काफी अच्छा दंगल लड़ा। देख रहे हो दंगल, बात है बोली जी। महिपालदा भाभी जी नहीं आई यहाँ क्या? नहीं यार, वो जरा रोडहाट पकवान में रहो, आप गांव वाले हुए हम तो ना वो दरअसल ये जो दिन भर थक गए हैं काम काज, तब न जब तो स्टार्ट हो नहीं, एक डिसकनेक्ट करें दोबारा रिजॉइन होना, फिर तुम देख लिया गया तब तो तुम्हें खुशा मार लेना है।
आ नहीं हूँ हरदार को जो ना हरीश रावल जी उनका क्या महिपाल टू ईयर्स के लोग सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल हूँ। तो ये मतलब एक मतलब ये टैग लाइन कैसे बनी कभी तो पहले पूछना आज हरदाला पूछा मैं तो उनका यार हरदा ऐसी कि मैं एक देखती नाटक देखती नाटक में वो जब फर्स्ट में स्टार्ट में ऊँची तो वो पूछी दीपक चंद हांडवाल नमस्कार क्या बात है अभी भैया कैसे हैं। तो मैं पूछे ना कि मैं उनकी थी क्राइम पेट्रोल थी वो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल कैसे ऐसी है अनूप सोनी कुछ ही समय पश्चात मैं अनूप सोनी पेट्रोल फैशन शो परिधान मतलब जब तक अनूप सोनी यश ना प्रारंभ होने जा रहा है रंगत जन उच्च उसके तुरंत बाद रोहन भारद्वाज महिपाल दास एवं यार लास्ट दिन है कल से तुम आप घर मैं आभार प्रकट करता हूं घर में वह मैं आप घर में सितू ने आप हमारे नीला संरक्षक जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल जी का आभार प्रकट करूंगा। हमारे मेला अध्यक्ष बहुत बढ़िया अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बागेश्वर सुरेश सिंह खेतवाल जी का नमस्कार आभार प्रकट करूंगा। मेलाधिकारी और जिलाधिकारी बागेश्वर हरिगिरी जी का मेला सचिव अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर सतीश कुमार जी का हमारे मंचा से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय अरुण कुमार वर्मा जी का आप सभी का आभार। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्या बात है यार दीपक भाजी ऐश्वर्या आज मैं कॉमेंट नहीं पढ़ पाऊँ दीपक बहुत बढ़िया था। हाँ दीपू भैया बहुत बढ़िया था जी। यार आज की शाम जो है इस उत्तरायणी पौतिक की लास्ट नाइट आज जो है आज जो है यार वहाँ पावा में चल रहा में जंगल तुम उलट जफो में कॉमेंट पढ़ते रहो ना। सॉरी यार थैंक यू महिपाल दा शिव सिंह बोरा जी दादा आज अंतिम दिन है कल क्या कल भी रहेगा ना कल नहीं रहेगा महिपाल दा क्या खा रहे हो आज यहाँ आज मैं बुझी मुझे जान बखा उन लियो तुम यो तुम खाप सुखल कर मुझे जरा सा लौंग और थोड़ा इलायची ये चीज़ दी उन्होंने कहा तुमको ठंड होने वाल कभी तब वो बोहण में लग रही है कालका राहुल जी जय हो बागेश्वर महिपाल नमस्कार गुरु जी प्रणाम आप हमारे ज़्यादा से और आपकी लेखनी जो है पूर्व बक्सर पूर्व क्षेत्र पढ़ो और बहुत बढ़िया लगता है गुरु जी। तो उन्होंने मुझे दे मान्यवर ठंड में मस्त हो रहा है जड़ जड़ बिठा रही कुंदन सिंह सेन जी महिपाल दा नमस्कार बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखा रहे हो मज़ा आ गया दादा यार धन्यवाद यार। ये देखो यार कुछ जब यह दंगल शुरुआत हुए इसी भय हमारे जो जिलाधिकारी महोदय जी उन्होंने स्वागत करो मतलब शुभारम्भ करो भक्ति ऋषि चलो पूरन सिंह मिश्रा जी दाजू नमस्कार सिंह बोरा दीपक कल मेरा निशाज लगेगा मुझे तो जड़ल बिटो आ रही है खबर घरों जा रहे लल्ली आर्य जी महिपाल दा आज कौन से आएंगे कलाकार यार अभी देखता हूँ अभी मैंने कुछ कहा ना भी भूल जाने उन्हें तब यार नवीन सिंह धीरे धीरे लिखो यार इधर लिखो मीना बहन मीना शंकर पिष्टि जी बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल दा अपना ध्यान रखिएगा ठंडा बहुत मैं अवा बैठ गया यार इधर दिन मैं बीमार हो जाऊँ फिर जरा दिक्कत है चलना दादा बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम देखकर धन्यवाद बनी भूपेन चौपी जो महिपाल दा स्टार हो आप हमारे अब यार स्टार स्टार पहले भी हो आप लोगों के सामने ना मजाक परिधान फैशन से का प्रदर्शन किया जा रहा है हमारी संस्कृति जैसी परिधान वाला आएगा मैं डिस्कनेक्ट करूंगा फिर कनेक्ट करूंगा यहां पर आप लोग इसका आनंद लेना हाँ मतलब फिर कनेक्ट क्योंकि कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट होने चाहिए ना आने वाले हैं।